मेलनी मोदी एक मरतबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। आपको बता दें कि जून में होने वाले G7 समिट में न्योता भेजने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का धन्यवाद किया, और वो इस तरीके से कि जो जॉर्जिया मेलनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की जरूरत है, ठीक है जी। है जी, अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। और वो उनको इसीलिए जरूरत है कि उनको इस चीज का अंदाजा है कि एक बड़ी इकोनॉमी है, कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो तो अब अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं, बांग्लादेश को देख ले, मालदीव को देख ले, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात, और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो वो जिस तरीके से कहते हैं पड़ोसियों की मदद करते हैं, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड, तो आप कहते हैं यार कैसे क्यों भारत के साथ अपने आप को तुम, आप ये छोड़ दो, ये गलत सोचे हैं तुम्हारी, वो आपसे 50-100 साल आगे जा चुके हैं। के जो जॉर्जिया मेलनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। है जी, अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए, और जून में G7 समिट है, तो जाहिर है कि देखें इनवाइट जब किया जाता है तो किसको किया जाता है, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो वो इनवाइट नहीं कर सकती थी, अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, यानी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मेलनी जो हैं वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब ग्रीट किया गया उनके जो डे है, और उसके ऊपर इटली के लिए और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगु हुई, बायलैटरल इश्यूज, टाइज स्ट्रेंथन करने की बात, से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा, वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात, और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो देखें ये जो आपको याद होगा कि उन्होंने जब सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलनी ने नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो दोनों की सेल्फी इतनी कुचली थी, इतनी कुचली थी, वो पूरी दुनिया में सब कह रहे थे कि देखें सेल्फी, वो मेलनी मोदी सेल्फी हो रहा था, है जी, सेल्फी सेल्फी हो रहा था। तो अब फिर मेलनी मोदी हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है कि उन्होंने उनको G7 समिट के लिए इन्वाइट कर लिया। अच्छा, सिर्फ जॉर्जिया मेलनी ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इकतदार में आने जा रहे हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स क्योंकि और भी हो रहे हैं, वरना देखिए जब ऐसा फेज होता है ना किसी कंट्री का कि उसमें इलेक्शन हो रहे हो, तो एग्रीमेंट्स भी रुक जाते हैं, मीटिंग्स भी रुक जाती हैं, इनविटेशंस भी रुक जाते हैं, लेकिन ये पहला मुल्क है और पहला वहां का ऐसा पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए ना इनविटेशंस रुके हैं, ना एग्रीमेंट्स उस कंट्री के रुक रहे हैं, और ना ही उस कंट्री की जो मीटिंग्स है वो रुक रही हैं, ना वहां पर विजिट्स रुक रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनको, वो ये कह रहे हैं कि उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये आ रहा है। और जो IMF और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की, पूरे उन्होंने सारे वो इशारे दे दिए हैं कि इस अब बनने जा रहा है अगला, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस है, तभी वो ये बात की। और फिर ये भी पहले से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल आई है, देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की जरूरत है, ठीक है जी, और वो उनको इसीलिए जरूरत है
कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकोनॉमी है। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ये सारे के सारे, एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें इज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर। आप क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिट्रेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है। इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज भी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस अ फॉरेन डिग्निटरी कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर एंड आस्किंग हिम टू ज्वाइन एट G7, इसके क्या मीनिंग है? देखिए अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाई जान देखो ये तो प्री पोल ब्रेकिंग है, देखो जनाब ये देखो इटली ये चाहता है, इटली चाहता है मतलब अमेरिका चाहता है, हमने इसमें से साजिशें निकालनी शुरू कर देनी। बट द क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि अब अगर 1.5 महीने मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो दुनिया किसी के साथ फॉरन रिलेशन जो है वो आप खत्म कर लें, या आप कह रहे हैं कि जी हमारे फॉरन रिलेशन बंद हो गए हैं आज के बाद क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ the maturity they have, and then on the other side PM Modi ne kya ji jo Meloni sahab ne wo call ki hai ye inki ek chemistry hai ye badi iske upar discussion ki jati hai aur wo ye hai ki kyunki ye madam Meloni jo hain she came in India aur inke bade lambe chaude yahan pe visit hue the, and then I think when she left India right after that they also left the BRI, they informed the Chinese. Isme primarily it was not an India which pushed Italy to leave BRI, it was basically the European Union ki ek compulsion thi ki aapne isko ye chhodna hai, we can't allow this to happen. So Prime Minister Modi ne jab ye kal baat ki hai unse G7 ki jo hai jo G7 आउटरीच सेशन के वाले से जो कि इटली के एक शहर है आई थिंक पुगलिया, वहाँ पे ये होने हैं। सो नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब को और भारत को तैयार किया जा रहा है कि पायन आप हमारा हिस्सा हैं, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अस,